ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। ये सैकड़ों की भीड़ का विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते किराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा आज सड़कों पर उतरे हैं बाहरी दिल्ली के रानीखेड़ा में बनाए गए नए डंपिंग साइट के विरोध में। गाजीपुर लैंडफिल साइट हादसे के बाद एलजी के फरमान पर भलसवा और गाजीपुर दोनों लैंडफिल साइट पर कूड़ा डालना प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में नया डंपिंग साइट चुना गया रानीखेड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया तो अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र भी रानीखेड़ा से सटे हुए ही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा का आरोप है कि दिल्ली देहात में डंपिंग साइट बनाने के लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज है और जमीन भी डीडीए की ही है जो केंद्र सरकार के अधीन है। कचरा किसका? एमसीडी का। एमसीडी किसका? बीजेपी का। जमीन किसका? डीडीए का। डीडीए किसका? बीजेपी का। एलजी ने ऑर्डर किया, एलजी किसका? बीजेपी का। इसमें केजरीवाल कहां से आ गया? इसमें हम लोग कहां से आ गए? केराड़ी में लगभग एक किलोमीटर तक विरोध मार्च निकालने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का पुतला भी फूंका। गौरतलब है कि केराड़ी में पूर्वांचल के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं। ऋतुराज झा का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष खुद भी पूर्वांचल की जनता का नेतृत्व करने की बात करते हैं, लेकिन उनको पूर्वांचल के गरीब लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मनोज तिवारी जो कि भाजपा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, अगर एक बार एलजी के यहाँ धरना दे दे तो 5 मिनट के अंदर एलजी फाइल में लिख देगा कि यहाँ पर कूड़ा घर कचरा घर पूरे दिल्ली का नहीं बनेगा। वहीं स्थानीय लोगों में भी दिल्ली देहात के क्षेत्र में कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर खासा रोष देखा गया है और वो इसका पुरजोर विरोध करते नजर आए। नहीं, यहाँ पर जैसे गाजीपुर में अभी हादसा हुआ है और वहाँ गैस भी निकल रही है, पानी भी खराब आ रहा है, तो ये रानीखेड़ा एरिया में बनने को हमें पता लगा है कि वहाँ पर बन रहा था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एलजी को ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है और पब्लिक भी रहती है, शायद 5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं जो गरीब लोग हैं, बड़ी मेहनत से हमने घर बनाए, तो हमारा जो हाल जो है भरसुआ डेयरी और जो गाजीपुर की तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, पहले से ही इतनी गंदगी है यहाँ पे और कूड़ा और अगर यहाँ डाल दिया जाएगा चारों तरफ का ला के तो यहाँ की जनता बहुत परेशानी हो जाएगी। रानीखेड़ा में डंपिंग साइट बनाए जाने का मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता और क्षेत्र के सांसद भी लोगों के पक्ष में इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी से जुड़ा है और डीडीए भी भाजपा शासित केंद्र सरकार के अधीन है तो इस बड़ी समस्या का कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए किराड़ी से अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर